नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हुए, जयपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर और मामले में अपडेट बताते चले। मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने इसे लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस के 81 विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा पेश किया था। राजेंद्र राठौर ने विस अध्यक्ष के फैसले पर याचिका लगाई है। सुनवाई के लिए राजेंद्र राठौर हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, तो एक अहम सुनवाई होने वाली है। राजेंद्र राठौर ने जो याचिका लगाई थी इस्तीफे को लेकर, उसी पर सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, महत्वपूर्ण सुनवाई हाईकोर्ट की ओर से, राजेंद्र राठौर पहुंच चुके हैं, क्या दलीलें पेश की जाएंगी आज? आवाज पहुंच रही है राकेश? तो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर याचिका लगाई गई थी। राजेंद्र राठौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। बड़ा महत्वपूर्ण, हाईकोर्ट पूरे मामले पर क्या कुछ कहता है यह भी जानना होगा। जयपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक साथ कांग्रेस के 81 विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा पेश किया था और इसी को लेकर याचिका लगाई गई थी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने हाईकोर्ट में कहा था कि जो फैसला लिया गया है वो गलत लिया गया है, अध्यक्ष के फैसले पर ये याचिका लगाई गई है और आज इसी को लेकर सुनवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि राजेंद्र राठौर इस वक्त हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और इस मामले पर आज सुनवाई की जाएगी। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या तैयारियां दोनों ही पार्टीज की ओर से? बिल्कुल, देखिए आज का दिन अहम रहने वाला है, क्योंकि राजेंद्र राठौर ने जो याचिका में कहा है एक महत्वपूर्ण सवाल का है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से जो इस्तीफों को स्वीकार करने में या उनकी एक बहुत लंबा समय लगाया है, तो इससे हॉट ट्रेडिंग की संभावना आशंकाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक किसी भी चीज के लिए, किसी भी संवैधानिक संस्थान के लिए एक निश्चित समय नहीं होता है तो उससे अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। तो इस्तीफों के स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि जिस दौरान विधायकों ने, मंत्रियों ने इस्तीफे दिए उसके बाद उन्होंने सरकारी संसाधनों का उपयोग भी किया, क्या वो इसके उपयोग करने के लिए उपयुक्त थे या नहीं थे। तो अब इस मामले पर चूंकि खंडपीठ में सुनवाई है और खंडपीठ में आज अहम सुनवाई हो सकती है और काफी कुछ तैयारियां करके यहाँ से राजेंद्र राठौड़ गए, हमारी उनसे बात भी हुई है, उनके अधिवक्ताओं से बात हुई है, तो आज का दिन अहम रहने वाला है इस सुनवाई का। अब विस अध्यक्ष क्या तैयारी कर जाते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं राजेंद्र राठौर तो पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। इंडियन आर्मी और आतंकवादियों के बीच मंगलवार तड़के फिर से मुठभेड़ हो गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कई घंटे से एनकाउंटर जारी है, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। अब तक मिली सूचना के अनुसार सेना ने कम से कम 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि मारे गए दोनों आतंकियों में एक लश्कर का भी आतंकी था। फिलहाल इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन जारी है, सेना अब ड्रोन का भी सहारा ले रही है। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना और आतंकियों के बीच शोपिया के अलशीपोरा में मुठभेड़ शुरू हुई है। पुलिस ने बताया कि मारा गया आतंकवादी अबरार कश्मीरी पंडित पंडिया संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। अब बता दें कि 26 फरवरी को कश्मीर के संजय शर्मा की हत्या कर दी गई थी, जब वे अपनी पत्नी के साथ मार्केट जा रहे थे। उसी वक्त आतंकियों ने निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी थी। तो वहीं इसराइल को हमास के हमले से बचा पाने में खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह से नाकाम रही। अब पछतावे का आंसू बहाने की जगह वो एक्शन में है। हमास पर हमले बढ़ाने और अपने बंधक नागरिकों को छुड़ाने के लिए मोसाद ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मोसाद ने हमास के संपूर्ण विनाश के ऑपरेशन को नाम दिया है प्लान 5। ये रिपोर्ट देखिए। हमास के आतंकवादियों ने जिन इसराइली लोगों को बंधक बनाया है उसमें सिर्फ सैनिक नहीं, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। समस्या ये है कि एक तरफ तो हमास को नेस्तो नाबूद करने तक इसराइल ने हमले करने का शपथ लिया है,
और दूसरी ओर समस्या ये है कि इसराइल के जिन लोगों को हमास ने अगवा किया है उन्हें सुरक्षित छोड़ाना है, लिहाजा मोसाद ने बहुत सोच विचार कर एक्शन प्लान तैयार किया है जो दो लेवल पर काम करेगा। पहला, हमले की तादाद और बढ़ाई जाएगी और इसके लिए मोसाद की सलाह पर प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने 1,00,000 रिजर्व सैनिक बुलाए हैं। दूसरा, गाजा की पूरी तरह से नाकेबंदी का प्लान है। तीसरा, हमास के चंगुल में फंसे बंधकों को छुड़ाने के लिए इसराइल ने प्लान 5 तैयार किया है। चौथा, खुफिया एजेंसी मोसाद और सुरक्षा बलों ने बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए टीम तैयार की है। मोसाद के इस प्लान के एक्शन में आए बिना कयास लगाकर इसकी ताकत का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। हम आपको आगे बताएंगे कि मोसाद इसराइल को हमले से बचा पाने में नाकाम रहा है, लेकिन ये मोसाद ही है जिसने दुनिया में खुफिया एजेंसियों के स्ट्रेंथ, उसकी तेजी का नया इतिहास लिखा है। लिहाजा ये मोसाद कैसे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। $3 बिलियन के वार्षिक बजट और 7,000 अनुभवी कर्मचारियों के साथ मोसाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बाद दूसरी सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है। मोसाद के कई विभाग हैं, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना की डिटेल किसी के पास नहीं है। मोसाद का विशाल जासूसी नेटवर्क उन्हें उग्रवादी नेताओं की गतिविधियों की जानकारी देता है। अपनी स्थापना के बाद मोसाद सरकार की जरूरतों के आधार पर खुफिया जानकारी जुटाती है। जानकारी जुटाने के लिए मोसाद कई तरीके इस्तेमाल करती है, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे तरीके। मोसाद ने अन्य देशों से खुफिया संबंध भी विकसित किए हैं। मोसाद उन देशों के साथ गुप्त संबंध स्थापित करने में भी शामिल है जो खुले तौर पर इसराइल का साथ देने से बचते हैं। सामान्य तौर पर मोसाद विदेशों में यहूदी और इसराइली लोगों के खिलाफ आतंकी घटनाओं के खिलाफ युद्ध में महारत हासिल है। मोसाद ने उन देशों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो इसराइल के खिलाफ खतरा है। सवाल ये उठता है कि मोसाद के इतने बड़े जासूसी नेटवर्क के बावजूद कैसे हमास ने गाजा पट्टी में हजारों की संख्या में रॉकेट और मिसाइल इकट्ठा कर लिए और उससे हमला भी इसराइल पर कर दिया। आखिर इसराइल की अभेद लोहे की दीवार में छेद कैसे हमास की तरफ से कर दिया। आगे आपको मोसाद के कुछ बहुत बड़े और दुनिया को चौंका देने वाले ऑपरेशन की डिटेल भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ उस सवाल को बार बार समझना होगा कि हमले का पैमाना, जिस जटिलता के साथ इसे अंजाम दिया गया और इसके लिए जिस कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय और महीनों की योजना की जरूरत रही होगी। लेकिन इन महीनों में हमास के अटैक के प्लान की जानकारी जुटा पाने में मोसाद फेल हो गई। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का आकलन करने में विफल रही है। इसके बाद मोसाद ने जो ऑपरेशन अंजाम दिए हैं उसकी लिस्ट देखकर नहीं लगता कि अब की बार भी इसराइल को बचाने में मोसाद को फेल होना चाहिए था। नवंबर 2020 ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम के टॉप साइंटिस्ट ब्रिगेडियर जनरल मोहसेन फखरी जादेह की हत्या कर दी गई। हालांकि मोसाद ने इसकी खुलकर जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दुनिया के सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। 1976 ऑपरेशन थंडरबोल्ट, अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त कराकर लाया था। इस ऑपरेशन की दुनिया भर में चर्चा हुई, ये बात दीगर है कि अब की बार मोसाद फेल हो गए। 1972 रैथ ऑफ गॉड, म्यूनिख ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीन के आतंकियों ने इसराइल के 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। मोसाद ने 20 साल तक ऑपरेशन चलाया और एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारा। इसलिए कहा जा रहा है कि हमास के हमले की भनक मोसाद जैसी जासूसी एजेंसी को कैसे नहीं लगी। मोसाद का एक और बड़ा और सफल ऑपरेशन देखिए, 1960 में रूसी MiG-21 को इसराइल लाना। 1960 मोसाद ने अर्जेंटीना में एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए नाजी युद्ध के अपराधी एडोल्फ एक्मैन को गुपचुप तरीके से अपहरण करके इसराइल ले आए। बाद में मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई। मोसाद ने अपने शुरुआती दिनों में आसान देशों से यहूदियों को इसराइल में लाने का काम किया। इथियोपिया से हजारों की संख्या में यहूदियों को इसराइल लाया गया, लेकिन अब मोसाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो बंधक बनाए गए 130 इजरायली नागरिकों को हमास के चंगुल से छुड़ाए। मोसाद एक्शन में है और अपनी भूल सुधारने के लिए उसके टॉप एजेंट सुपर एक्टिव मोड में है। जबरदस्त टैलेंट, उन्नत तकनीक और लगातार बदलता क्षेत्र,
एक ऐसी खुफिया प्रणाली जिसके कुछ हजार लड़ाकों से बने आतंकवादी संगठन के खिलाफ विफल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ, लिहाजा बारी मोसाद की है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान ने चाहा तो हमारी लिस्ट नवरात्र में आएगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, एक बात मानकर चलना, बीजेपी ने लिस्ट पहले जारी कर दी और उन्होंने श्राद्धों में लिस्ट जारी की है, तो आपको ये मानकर चलना कि हमारी लिस्ट भगवान ने चाहा नवरात्रों में आएगी, माता जी का आशीर्वाद होगा, यही घोड़े और यही मैदान होगा और राजस्थान में कांग्रेस की एक बार फिर सरकार बनेगी। ये तय हो गया, राजस्थान की जनता में चर्चा है, बहुत जबरदस्त चर्चा है कि काम कांग्रेस ने किया है, काम करके दिखाया है। नौजवान आदमी जब गांव से रवाना होता है, बस में बैठकर एग्जाम देने के लिए फ्री में जाता है। माँ बहन बेटी जब बस में बैठती है, 90% किराया फ्री है उसका। बस अस्पताल में कोई जाता है, बड़े में, छोटे में, प्राइवेट में इलाज होता है उसका, चिरंजीवी योजना में फ्री में। ये बड़ी सोच है महंगाई को मारने की। क्या बात करते हैं आप, राजस्थान की हर महिला के लिए सैनिटरी पैड फ्री है। एक तरफ तो महंगाई का तोहफा देती है केंद्र सरकार और हम महंगाई से लड़ने के लिए काम करते हैं। बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर है, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपना एक भी काम नहीं बताते। काम बताना चाहिए बीजेपी को कि वसुंधरा जी की सरकार के समय क्या हालात थे राजस्थान के, और केंद्र की बीजेपी की सरकार ने क्या किया। उपलब्धि बतानी चाहिए अपनी। हम हमारी उपलब्धि बताते हैं, हमारा काम बताते हैं, हमारी सेवा बताते हैं, उसके आधार पर वोट मांगते हैं। और आप देख लेना, आने वाले समय में बड़ा भारी रिजल्ट आएगा। और कल इन्होंने जो सीटें घोषित की है, वो कोई बहुत अच्छे उम्मीदवार इनके मैदान में नहीं उतारे, पता नहीं चलेगा कहां गए ये उम्मीदवार। तो वही सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी ने झोटवाड़ा से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले हैं। सुनिए। एक नया जोश, एक ऊर्जा आती है कि जो कुछ ऐसे नाम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करते थे, जिन्होंने जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े ध्यान से देखा हुआ है, उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है तो हम तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार मैसेज है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में सीधा संदेश है, आप जिस सीट को अपना गढ़ मानते हो, हम घर में घुस के मारेंगे वहां पर। तो युद्ध है एक तरह से, और युद्ध किस लिए? इस देश के लिए। इस देश की जनता की सेवा सही तरह हो, देश का विकास सही तरह हो, देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश के साधन है, वो चोरी ना हो, वो सही जगह इस्तेमाल हो, इस चीज का युद्ध। और रुकर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये बैठक लेंगे। घोषणा पत्र को लेकर प्रदेश भर से सुझाव लिए जा रहे हैं, अलग अलग माध्यम सुझाव लेने के, और लगातार बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो आम लोगों के मुद्दे होंगे, जो लोगों से जुड़े जो मुद्दे होंगे, उन्हें अपने घोषणा पत्र में बीजेपी शामिल करेगी। और इसी को लेकर कई रथ रवाना किए गए हैं, कुल 200 विधानसभा क्षेत्र जहां पर अलग अलग 51 रथों को रवाना किया गया है। और कई दिनों तक ये रथ कई लोगों से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। जो पेटी वहां पर लगाई गई है, उन पेटी के माध्यम से लोग अपने सुझाव बीजेपी के साथ साझा करेंगे। और सिर्फ पेटी ही नहीं, बल्कि कई और डिजिटल माध्यम भी हैं, जैसे कि आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया के और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए लोग अपने सुझाव, अपने फीडबैक, अपने सजेशंस बीजेपी के साथ साझा कर सकते हैं। संकल्प पत्र को लेकर ये बड़ी बैठक होने वाली है, अर्जुन राम मेघवाल बैठक लेंगे। और सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, महत्वपूर्ण बैठक संकल्प पत्र को लेकर अर्जुन राम मेघवाल अध्यक्षता कर रहे हैं, कब से बैठक की शुरुआत हो रही है और कोई पहुंचा है क्या अभी?
देखिए प्रियंका, जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब बीजेपी ने पहली सूची अपने प्रत्याशियों की है वो कल ही जारी की है। 41 प्रत्याशियों को यहां पर मैदान में उतार दिया है। इसके साथ साथ में अब जो चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जिस बात को माना जाता है वह है मैनिफेस्टो, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र। उसकी तैयारियां यहां पर अब अपने अंतिम दौर में है और बीजेपी जो है अपने मैनिफेस्टो को जल्द ही जारी करना चाहती है। इस कारण से जो संकल्प पत्र समिति की जो बैठक है आज भी अहम बैठक यहां पर बीजेपी मुख्यालय पर होने वाली। कुछ देर पर यह बैठक की शुरुआत होगी और इसके लिए नेताओं का जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहां पर थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो सुझाव मांगे थे प्रदेश भर में लोगों से, आमजन से कहा गया कि किस रोडमैप के साथ में वे आगे बढ़ेंगे, उसे लेकर के जो चर्चा है आज ये यहां पर रहने वाली है। क्योंकि जो बीजेपी ने रथ यात्राएं निकाली थी अलग अलग जगहों से, चार रथ यात्राओं में जो भी संकल्प के तहत जो सुझाव जो मांगे गए थे उन सुझावों को क्लब करके और उनमें से जो महत्वपूर्ण सुझाव जो होने वाले हैं उनको एक लिस्टेड किया जाएगा और साथ ही में उन्हें अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का जो प्रयास है वो बीजेपी यहां पर करने वाली है। और इसमें यह भी ध्यान रखा जाना है कि जो मास को यानी बड़े स्तर पर जो प्रभावित कर रहा है वो कौन सा मुद्दा है। मसलन ईआरसीपी का जो मसला जिसे कि कांग्रेस यहां पर उठा रही है, तो कमोबेश इस तरह के जो मुद्दे, बड़े मुद्दे जो है जनता को बड़े स्तर पर जो फायदा पहुंचाने वाले मुद्दे हैं वो इसमें शामिल किए जाने हैं। और इसी लिहाज से यहां पर केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल है उनकी अध्यक्षता में यह बैठक यहां पर होगी। जो घनश्याम तिवाड़ी है वो भी इस समिति का हिस्सा है, पहुंच सकते हैं इसमें बैठक में भाग लेने के लिए। और किरोड़ी लाल मीणा जो कि कल ही जिन्हें की टिकट यहां पर दिया गया था, तो ऐसे में वे भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं क्योंकि वो भी इस संकल्प समिति के जो है इस बैठक के हिस्सा रहने वाले हैं क्योंकि वो इस समिति में है। और इसके साथ साथ में 25 सदस्यों की जो ये कमेटी है वो तैयार करेगी कि किस संकल्प के साथ में बीजेपी इस चुनाव में उतरने वाली है। क्योंकि देखिए दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उसकी तैयारी यहां पर काफी मजबूत देखी गई है। 2030 का जो मिशन है वो लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चल रहे थे और उन्होंने जिस तरह का संकल्प जो है एक तरह से अपने विजन डॉक्यूमेंट के तहत में जो तैयार कराया है, तो ऐसे में इस लिहाज से बीजेपी के लिए काफी चुनौती भरा हो जाता है। और बीजेपी इस मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, टिकटों के साथ में ही जल्द से जल्द जो है इस मामले में भी बाजी मारना चाहती कि उनका जो यहां पर मैनिफेस्टो हो वो सबसे पहले जारी हो जाए और जनता के बीच में उनकी जो बातें हैं, उनके जो वादे हैं, जो भी दावे हैं वो पहुंच सके और जो प्रोमिसेज जो बीजेपी यहां पर करना चाहती है वो लोगों के बीच में जन जन तक जो है पहुंचाया जा सके। और साथ में एक मैसेज ये भी दिया जा सके कि जो लोगों के सुझाव थे उन्हीं को इस मैनिफेस्टो में शामिल करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। तो कुछ देर बाद में यह बैठक यहां पर शुरू होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक में अर्जुन लाल मेघवाल यहां पर पहुंचने वाले। जी बिल्कुल महेश, मैसेज ये देने की कोशिश कि जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं उन्हीं को बीजेपी अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। क्योंकि महेश आप खुद लोगों के बीच जाते हैं, लगातार लोगों से टच में भी रहते हैं, रिस्पॉन्स क्या है? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि बीजेपी की ओर से जो कैंपेनिंग की जाती है उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जन समर्थन नहीं मिल रहा है इसे। देखिए बिल्कुल ये कांग्रेस की तरफ से आरोप जो लगाए हैं उस मामले में बीजेपी ने भी कई बार पलटवार ये किया है कि लोगों का समर्थन उन्हें पूरी तरह से मिला है। जो रथ यात्राएं रही है उनमें सफल रथ यात्राएं जो है वो निकाली गई है और जगह जगह पर जो है बीजेपी के नेताओं को बेहतरीन रिस्पॉन्स जो है वो लोगों की तरफ से, उनके न सिर्फ कार्यकर्ताओं की बल्कि आमजन की जो भीड़ थी वो भी इन सभाओं में देखने को मिली। और वहां लोग पहुंच करके जो पेटियां वहां पर लगाई गई थी उन सुझाव की पेटियों में, उन बॉक्सेज में अपने सुझाव उन्होंने रखे हैं और साथ ही में अपने क्षेत्र की क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, क्या कुछ मुद्दे वहां के हैं उन्हें लेकर के जो सुझाव हैं वो बीजेपी तक पहुंचाए हैं और इन्हीं को आज यहां पर क्लब किया जाएगा, उन्हीं पर चर्चा है, मंथन है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा संख्या में जो सुझाव हैं वो बीजेपी तक पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में जो सुझाव है वो पहुंचे हैं, लेकिन सबको शामिल करना नहीं संभव हो पाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा हो ऐसा मुद्दा क्या हो सकता है, इस मुद्दे को लेकर के प्रायोरिटी में यही रहने वाला है कि जो संकल्प पत्र समिति है वो इन मुद्दों को। बिल्कुल महेश, बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज ये है उन मुद्दों को ढूंढना जो लोगों से जुड़े हुए और ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर सके जिससे कि बीजेपी को चुनाव में जीत मिल सके। आप बैठक पर नजर बना रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जोधपुर से बड़ी खबर है, पहली लिस्ट के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी का दौरा होने वाला है। आज जोधपुर के दौरे पर अरुण सिंह रहेंगे, बीजेपी समन्वय समिति की वो बैठक लेंगे, चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी ने बताते चले कि कल 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद से कई जगहों से असंतोष की भी स्थिति देखने को मिल रही है, कई कार्यकर्ता और नेता
इस लिस्ट के बाद खफा भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब चैलेंज ये है कि कैसे सभी को मनाकर एक साथ लेकर चला जाए, क्योंकि कांग्रेस से लड़ाई करनी है। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी जिसके लिए बीजेपी को भी मजबूत होना पड़ेगा, और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जो पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है, जो दिक्कतें चल रही हैं अभी फिलहाल, उसे खत्म कर लिया जाए। तो ये दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह एक खास बैठक लेंगे और सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, कई जगहों से हम देख रहे हैं असंतोष की भी स्थिति है, सभी को मनाने के लिए ये बैठक की जा रही है, क्या क्या रणनीति इस बैठक को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हैं, वे यहाँ जोधपुर में हैं और जोधपुर के लघु उद्योग भारती सभागार में यह बैठक होने जा रही है। और बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उसके साथ साथ अन्य जो राज्यसभा सदस्य हैं, राजेंद्र गहलोत, नारायण पंचारिया सहित अन्य कई लोग हैं, वे यहां मौजूद हैं। और इस बैठक के अंदर इन सब चीजों पर चर्चा होनी है कि किस तरीके के आगे की रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि असंतोष के जो है स्वर वो कम किए जा सके। टिकट वितरण, विशेषकर अभी जोधपुर संभाग की अगर मैं बात करूं, जोधपुर के जो 10 सीटें हैं उसकी अगर बात करूं तो एक सीट ऐसी है बिलाड़ा की जो कि अर्जुन लाल गर्ग को दी गई है। उसके अलावा जो अन्य जो 9 सीटें हैं उनको लेकर के जो मंथन है वो होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण जो सरदारपुरा सीट है जहां की अशोक गहलोत कांग्रेस से हमेशा प्रत्याशी रहे हैं, इसको लेकर के क्या रणनीति रहने वाली है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर मंथन किया जाए और जिससे पॉजिटिव सकारात्मक निर्णय आए, यह आवश्यक है और इसको लेकर के इस पूरे बैठक में इस चर्चा होनी है। इसके अलावा अगर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर मैं बात करूं तो जो सूची जारी की गई है इसमें जिस तरीके का गतिरोध रहा है उस गतिरोध को कैसे कम किया जाए, सहमति कैसे बनी जाए, या जो नए टिकट जो मिलने वाले हैं उसमें असंतोष के भाव नहीं उठे, उसको लेकर के भी यहां मंथन होने वाला है। शीर्ष नेतृत्व से जुड़े जो पदाधिकारी हैं वे यहां इस बैठक में मौजूद हैं। समन्वय समिति की जो बैठक है इसके बाद में प्रेस से रूबरू होने का कार्यक्रम रखा गया है और प्रेस के रूबरू होने के बाद में इसका द्वितीय स्तर पर एक बैठक और रखी गई है जिसमें कि सामान्य पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि समन्वय समिति की बैठक को लेकर के मीडिया को इसमें अलाउ नहीं किया गया, लेकिन जो मोटा मोटा जानकारी सामने आई है उसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र गहलोत और प्रदेश के प्रभारी के रूप में जो अरुण सिंह है और उनके साथ में जो प्रदेश नेतृत्व संगठन के हिसाब से जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, ऊपरी स्तर के जो पदाधिकारी हैं, वे इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और इस शामिल होकर के ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से। बिल्कुल, अरुण सिंह पहुंच भी चुके हैं और कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत होने वाली है रंजन, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चला जाए। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही है, जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। चुनौती है, बड़ी चुनौती है, अब बैठक में देखना होगा कि क्या फॉर्मूला निकाला जाता है, क्योंकि रंजन आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, बातचीत भी कर रहे हैं लोगों से, क्या लग पा रहा है कि पार्टी मना लेगी या बगावती सुर अपनाने को तैयार है कार्यकर्ता? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर पर जब चुनाव होते हैं तो कई सारे ऐसे चेहरे होते हैं जो टिकट के लिए दावेदारी करते हैं। लोग अपने अपने दावे जातिगत आधार पर, अपने जनाधार के आधार पर चुनाव के लिए, टिकट के लिए डिमांड करते हैं, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण यह रहता है कि पार्टी किस पर विश्वास जताती है। पार्टी की जो कोर कमेटी रहती है वो ये निर्णय करती है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि जीत उनकी झोली में डाल सके। तो ऐसे कई सारे समीकरण थे और निश्चित तौर पर इस बार जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का यह शुरू से ही कहा गया है कि कमल का फूल जो है वो उनका प्रत्याशी है, और इसलिए निश्चित तौर पर सभी को कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा भाजपा की ओर से बार बार दिखाया जा रहा है उस पर वोट करने की बात और उस पर वोट करने की अपील की जा रही है। जोधपुर की अगर बात करूं तो निश्चित तौर पर जोधपुर में जो 10 विधानसभा सीटें हैं उसमें सूरसागर ऐसी सीट है जिस पर अब नजर रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के जो विगत प्रत्याशी थे अयूब खान वो अब आरपीएससी सदस्य के रूप में नामित हो चुके हैं। अब अरुण सिंह कैसे नाराज लोगों को, खफा लोगों को मनाते हैं, मान मनोबल के लिए क्या फॉर्मूला निकाला जाता है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।